वेलकम बैक टू माई चैनल द बीटिंग बाउल। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए फ्लावर 2 1/4 कप, जिसके अंदर मैंने सॉल्ट 1/2 टीस्पून और सॉल्ट डाल दिए इसमें मैंने 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिए इसमें, और मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर लिया इन तीनों चीज़ों को। उसके बाद हमें कास्टर शुगर चाहिए, कास्टर शुगर हमें चाहिए 1/2 कप, ब्राउन शुगर हमें चाहिए 1 कप। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये एक अंडा, मतलब साबुत अंडा एक, और एक एग योक लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद वनीला एसेंस हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। उसके बाद मेल्टेड बटर हमें चाहिए 3/4 कप मेल्टेड बटर चाहिए। चॉकलेट चिप चाहिए हमें 1 कप। तो ये हमें चीज़ें चाहिए। अब मैं इनको ज़रा कंबाइन करके वापस आती हूँ। जी अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपना ब्राउन शुगर, ऐड कर दूँगी सबसे पहले ब्राउन शुगर इसमें, ठीक है। ब्राउन शुगर हमने डाल दी, अब हम इसमें डालेंगे ये अपना अंडा, ये चला गया वनीला एसेंस, और ये हमारा मेल्टेड बटर। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कंबाइन करना है, अच्छे से चलिए। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि अपना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे वो मैं थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको फोल्ड करती जाऊँगी। इसी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूँगी, मतलब हमने इसको मिक्स करना। 1 कप चॉकलेट चिप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप अपनी मर्जी के भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगा। तो ये मेरी बेकिंग ट्रे है, और इस पर मैं अब क्या करूँगी, एक एक स्कूप डालती जाऊँगी। ट्वेल्व से 15 मिनट्स के लिए बेक करना है प्री हीट ओवन में 160 डिग्री पे। तो ये जब बेक होती है फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ इसे बेक कर। ये मैंने अपने ओवन में कुकीज़ रख दी हैं बेक होने के लिए, आप देख सकते हैं। तो ये जब बेक होती है फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें हमारी कुकीज़ बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।